अस्सलाम वालेकुम, कैसे हो आप सब। तो आज हम यहाँ पे एक नई रेसिपी बनाने जा रहे हैं, बटरफ्लाई चिकन। तो यहाँ पे मैंने 250 ग्राम चिकन लिया है, बोनलेस चिकन, और इस तरह क्यूब्स में कट करके लिया है। हम इस चिकन को 15 से 20 मिनट के लिए मैरिनेट करने के लिए रख देंगे। तो इससे लगने वाली चीज़ें हैं, ये एक चम्मच दही है, इसमें से ये जिंजर गार्लिक पेस्ट है एक चम्मच, यहाँ पे ये है ब्लैक पेपर पाउडर और कश्मीरी रेड चिली पाउडर, तो इसे भी हम ऐड कर देंगे। ये सॉल्ट एज पर टेस्ट है, और यहाँ पे मैंने तंदूरी मसाला और ये है चिकन 65 मसाला, इन दोनों मसाले को हाफ ऑफ क्वांटिटी में लिया है, ये एक चम्मच बढ़ के हो गया है, तो इसे भी हम ऐड कर देंगे। और ये है हाँ सोया सॉस, इसमें से हाफ चम्मच ऐड करेंगे। अब हम और ये रहा फूड कलर, इसमें से हम 1 पिंच ऐड कर देंगे। अब यहाँ पे हम सारी चीज़ें मिक्स कर लेंगे अच्छे से, और इसे मैरिनेट होने के लिए छोड़ देंगे 15 से 20 मिनट के लिए। तो अब हमें एक कॉर्नफ्लोर की स्लरी रेडी करके लेनी है, जिसके लिए मैंने यहाँ पे पानी ले लिया है। सॉल्ट ऐड कर दूँगी, कॉर्नफ्लोर पाउडर 2 चम्मच कॉर्नफ्लोर डाल दिया इसमें, इसे हम अच्छे से हिला के एक लिक्विडी पेस्ट बना लेंगे, पतला पतला सा ही होगा, बस हमें पटेटो को इसमें कोट करना है, फिर चिकन इसमें बीच में ऐड करके टूथ पिक से बंद कर देना है। तो ये मैंने पटेटो स्लाइस करके लिए, ये पतले पतले से स्लाइस, इसमें भी हम सॉल्ट ऐड कर लेंगे, जैसे मैंने वाटर में ऐड कर दिया ऑलरेडी। चलिए अब हमें इसे बनाना स्टार्ट कर देते हैं। हमने यहाँ से एक पटेटो स्लाइस लिया है, इसे हमें कॉर्नफ्लोर में डिप करना है, फिर एक चिकन का पीस लेकर इसके सेंटर में रख देना है, ये बेंड हो जाए इसलिए हमें इसे पतला स्लाइस रखना है पटेटो को, और ये टूथपिक इंसर्ट करना है इस तरीके से। तो मैं बाकी के भी रेडी कर लेती हूँ, फिर हम फ्राई कर लेंगे। तो यहाँ पे हमने सारे चिकन को रेडी कर लिया है, पोटैटोज में फील कर दिया है, अब हम इसे फ्राई कर देंगे। मैं ऑयल गरम कर देती हूँ। तो यहाँ पर ऑयल गरम हो चुका है, अभी मैं इसे मीडियम हीट पर क्रिस्प होने तक फ्राई कर दूँगी। तो ये रही हमारी डिश की फाइनल लुक। तो कैसी लगी है आपको रेसिपी, अगर आप मेरे चैनल पर नए हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिए, अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली में शेयर कर दीजिए। टिल देन अल्लाह हाफिज़, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।